हर टेक्नोलॉजी में कुछ एडवांटेजेस होती हैं कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं वो फिर जो इकोनॉमिस्ट है वो बैठ के तय करता है कि इसमें आ, एक, एक, कितने एडवांटेज हैं कितने डिसएडवांटेजेस हैं और रिस्क वगैरह कितना है बेनिफिट कितना है वो रिस्क बेनिफिट एनालिसिस जो है वो आ, हर टेक्नोलॉजी की की जाती है वो रिस्क में फिर जो इशूज़ आते हैं वो इंक्लूड करने पड़ते हैं तो इस सेक्शन में हम आपको बताएंगे कि जो हवा है उसकी यकीनन कुछ कुछ और नुकसान भी हैं नुकसान हवा के नहीं है बल्कि हवा से बिजली जनरेट करने के नुकसान कुछ हैं उसको नुकसान से मतलब लिमिटेशन ज़्यादा समझ लें नुकसान तो शायद कम ही हैं लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन हैं उसको समझना पड़ेगा आ, वो सब ये सारी चीज़ें उन्होंने इवेलुएट की भी हैं जो इंडस्ट्री है उसने और उसका सबका सद्देबाप सबका जो सोलूशन है वो सब इन्होंने कर लिया है कोई ऐसी बात नहीं है कि, कि कोई इसमें आउटस्टैंडिंग कोई चीज़ हो एक अलावा एक के जो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या है? वो एक चीज़ है जिसको अगर आ, उसके कोई सीधा से सीधा सोल्यूशन है नहीं लेकिन जो उसका टेढ़ा सोल्यूशन यकीन अभी मौजूद है तो ये देखें इसमें क्या क्या चीज़ें हैं एक तो ये कि एस्थेटिक्स एस्थेटिक्स का क्या मतलब हुआ कि खूबसूरती अब आप बड़ा खूबसूरत साहिल था उसके ऊपर उन्होंने वो लगा दी बहुत सारी विंड मिल्स तो सिर्फ विंड मिल्स नज़र आएंगी बाज़ लोगों को विंड मिल खूबसूरत नज़र आती हैं तो वह सब्जेक्टिव सी चीज़ है वो लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं चाहते कि एक बड़ा अच्छा सा समंदर का व्यू था ऊपर से आपने जना वो विंड में लगा दी तो समंदर का व्यू खराब हो गया होता है लोग कहते हैं ऐसी चीज़ें तो उसका तरीका है कि थोड़ा सा पीछे करके लगा दें ज़्यादा नहीं उसमें फिर नुकसान हो जाता है उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है यह मैं आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो लैंड पे जो टर्बाइन से निकलती है बिजली उसकी कीमत दूसरी होती है जो समंदर से निकल के आती है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है लैंड से वो थर्टी थर्टी फाइव तक के और जो जो अंदर से आती है समंदर के वो एक सौ पचास से आगे तक चली जाती है उसकी वजह यही है कि बहुत दूर है बिजली तो उसको करीब कैसे लाया जाए न वहाँ से फिर केबल डलते हैं वो केबल डालेंगे तो फिर शिपिंग का क्या होगा फिर मछली जो माइग्रेट करती है उनका क्या होगा फिर अगर कोई सही करनी है कोई मेंटेनेंस करनी है तो फिर जाना पड़ेगा ना इतनी दूर तो उसकी वो आने जाने में भी सारा परेशानी तो सब मिला के फिर उसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है मतलब सात आठ छः सात गुना ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है ऑफ शोर विंड, विंड पावर लैंड बेस्ड विंड पावर के बजाय अब लैंड बेस्ड में भी लोगों को परेशानी होती है कि जी मेरा घर है मेरे के घर के पीछे उन्होंने विंड मिल लगा दिया है तो उससे उस लैंड वैल्यू डाउन हो गई आ, कुछ जगह पे ऐसी बात है वरना तो इतना मुल्क खुदा तंगनीस जिसे कहते हैं ना कि इतनी बड़ी हमारे पास लैंड है कि इस तरह लगाया जा सके कि बिल्कुल किसी को अफेक्ट uh, ना पड़े अब वहाँ से फिर uh, बिजली लेके आए तो एस्थेटिक नॉइज़ अफेक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ वेरिएबल आउटपुट ये मैं चारों चीज़ें आपको समझाऊंगा एस्थेटिक्स तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि क्या क्या चीज़ें इस तरह की अगर आप व्यू देखें ना मैं जब देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि भाई ये इतनी सारी विंड मिल्स लगी हुई हैं चलो कम अज़ कम नेचर का भला हो रहा है कुछ लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ मायूब लगती है तो उसकी वजह से ज़रा दूर कर हट लगाना पड़ता है आ, और ये जो साइज़ इनके जो होते जा रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े साइज़ होते जा रहे हैं ना अब काफ़ी दफ़ा अगर वो बड़े बड़े साइज़ वाली बहुत सारी लगाई जा सके तो यकीन कुछ ना कुछ उनको एस्थेटिकल ईशूज़ लोगों को डिवेलप होते हैं लेकिन उसका बहुत आसान तरीक़ा है आबादी से हटके लगा दें या पानी में थोड़ा सा ज़्यादा दूर करके लगा दें वो सेटिस्फाई हो जाता है ये प्रॉब्लम नॉइज़ जो है वो एक बड़ा मज़ेदार मसला है इनके साथ अब जो नई मिल्स जो आ रही हैं वो थोड़ा सा उनका इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जो थोड़ी सी पुरानी मिल्स थी ना वो जब चलती थी ना आप, आप अंदाज़ा करें कि एक 400 फुट स्पैन वाली वन टर, टर्बाइन चल रही है अगर वो आप आप विहाड़ी में है ना अगर यहाँ से 10 मील भी दूर चले जाएँ तो उसकी आवाज़ जरूर आपको सुनाई देगी और आवाज़ ऐसी होती है वु, वु, वु। अब वो कॉन्स्टेंटली अगर ये आवाज़ आपके जहन में आए ना तो इसकी उन्होंने बहुत सारी स्टडीज़ की हैं कि लोगों के फिर दिमाग में कुछ उल्टी सीधी बातें आनी शुरू हो जाती हैं तो सुसाइड रेट जो है वो बढ़ जाता है अब ये सब ये बहुत ही पिछले कोई बीस साल से ये सारी एनालिसिस होती जा रही है एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जर्मनी में वो ग्रीन पार्टी का आदमी है ग्रीन पार्टी का तो आपको पता होगा कि बहुत ही इन्वामेंटली फ्रेंडली पार्टी है उसके वो बिल्कुल बहुत ही फेवर में है विंड मिल के जब तक के उसके घर के पीछे ना हो एक उसके घर के पीछे विंड मिल लगी हुई थी तो उसने पूरा केस किया केस लड़ा केस जीता तो उसको वहाँ से निकाल के उन्होंने किसी और जगह वो विंड मिल लगाई है वरना वो कहता था कि ऐसी आवाज़ आती थी कि मैं तो कुछ कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाता था तो वो नॉइज का एक इशू है जो नई मिल्स में जो आ रही है ना उनको उन्होंने थोड़ा सा मिटिगेट किया है थोड़ा सा कम किया है और अगर शहरी आबादी से दूर हो तो कोई वो मसला भी ख़त्म हो जाता है एक ये आउटपुट वेरिएबिलिटी ये एक ऐसा मसला है जो थोड़ा सा चलता रहता है अभी तक के कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं हुआ उससे पहले कि मैं इस पर बात करूँ एक और छोटी सी बात कभी कभी समझ में आती है एक पुराने अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा था कि हम विंड मिल में हमें दिलचस्पी इस वजह से नहीं है कि उससे जो ये जो है ना बर्ड्स चिड़िया जो हैं और परिंदे जो हैं उससे मारे जाते हैं अब विंड मिल की स्पीड देखें वो बिल्कुल ऐसे चलती है जैसे मैं अभी बता रहा हूँ ना वो ऐसे नहीं चलती जैसे पंखा चलता है हमारे पंखे को बहुत ही स्लो स्पीड में कर देना वो भी तेज़ है इन विंड मिल के हिसाब से लेकिन चूंकि इतना बड़ा स्पैन है वो घूम रही है उसको अगर गेयर लगाए ना तो अंदर का ट्रा टर्बाइन कितनी तेज़ी से चलेगा उसका आप अंदाजा कर सकते हैं तो बहुत ही स्लोली चलती है वो या तो परिंदा बहुत ही बेवकूफ़ हो कि जाके खुद ब खुद वो कुछ कुछ ही करने के लिए उसके विंग्स में टकराए वरना तो इतना नहीं होता होता है कुछ थोड़े बहुत इधर उधर कभी कभी एक्सीडेंटल हो जाते हैं इससे बड़ी ज़्यादा तादाद में परिंदे बड़ी बड़ी इमारतें जो होती हैं ना जिसमें ग्लास लगे होते हैं वो कहते हैं ये तो कोई ग्लास ही नहीं है उसमें से जाने की कोशिश करते हैं और फिर उनको दर्द सरी शुरू हो जाती है तो वो परिंदे जो हैं उससे ज्यादा मरते हैं बजाय ये आपकी विंड मिल से तो वो कोई मसला नहीं है अच्छा ये जो मसला है अब हवा जो है वो एक तरफ से हमेशा तो एक तरफ से नहीं आती कभी थोड़ी टेढ़ी हो गई कभी थोड़ी बिंगी हो गई तो वो उसका क्या होगा अब वो विंड मिल ये है हवा ये चल रही है हवा थोड़ी सी चेंज होगी अब विंड मिल का कर क्या करेंगे इसकी एफिशिएंसी तो कम हो जाएगी ना क्योंकि विंड तो यहाँ से आ रही है यहाँ से 90 डिग्री पे होता है तो सबसे ज्यादा उसकी मोमेंटम ट्रांसफर जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है अब यहाँ से हवा शुरू हो गई तो अब हर विंड मिल में एक छोटा सा कंप्यूटर लगा हुआ है वो देखता रहता है कि हवा कहाँ से रही है वो इतनी अकल होती है उसमें वो कहता है अच्छा इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं वो थोड़ा सा टर्न हो जाता है ऊपर का जो हिस्सा है वो बिल्कुल थोड़ा सा टर्न हो जाता है वो बिल्कुल हमेशा वो नाइन्टी डिग्री मेन्टेन करता है विंड फ्रंट से तो उससे कम अज़ कम ये होता है कि वो जो डायरेक्शन चेंज हो वह बराबर हो जाती है इससे वो अभी भी स्पीड का फ़र्क नहीं पड़ा अब स्पीड के फ़र्क पड़ने चेंज करने के लिए वो जो ऊपर राइट हैंड साइड पे जो फिगर है ना वो जो गियरिंग उनको ऐसी करनी पड़ती है कि थोड़ा बहुत अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुई तो कुछ भी नहीं कर सकते उतना तो फिर वो उनको बर्दाश्त करना पड़ता है अगर थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हुई ना तो वो गियरिंग की इस तरह इस्तेमाल करने से वो टर्बाइन स्पीड को कंट्रोल करते रहते हैं इसमें वेस्ट होता है वेस्ट का मतलब ये कि उनको एक एवरेज स्पीड चलाना पड़ता है अगर ज़्यादा स्पीड से चल रही है तो उसको स्पीड को लोअर करते हैं इसका मतलब वेस्ट कर देते हैं छोट थोड़ी स्पीड हो रही है तो उसको गियर से उसको फिर ठीक कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो गियर जो है ना ऊपर नीचे करके वो टर्बाइन स्पीड को मेंटेन करते रहते हैं उसके कुछ हद तक के होती है अगर पाँच फीसद से ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो गई दस फीसद ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो गई तो इन चीज़ें से फिर वो नहीं ठहरती वो यकीन चलती रहती है ऐसी उसके लिए क्या करते हैं कि एक एक बड़ा उल्टा तरीका ये है कि मैंने एक मरतबा बताया था एक मॉड्यूल में पीकर प्लांट पीकर प्लांट वो होता है कि जहाँ अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो गई मतलब बिजली कम हो गई हवा कम हो गई तो उन्होंने एक छोटा सा प्लांट लगाया होता है जिसमें कोल या तेल या मैथेन वगैरह गैस इस्तेमाल करते हैं वो एकदम से चला दिया वो चलाने से जितना भी वो कमी हुई थी या बेचती हुई थी तो वो पूरी हो जाती है लेकिन फिर यकीन उसकी उसके जो इकनॉमिक वैल्यू उसकी चेंज करनी पड़ती है क्योंकि पीकर प्लांट जो गैस वगैरह के प्लांट उसी वक्त अच्छे चलते हैं जब वो कंटिन्यूस चलते रहें अगर बंद करके चलाएंगे फिर बना बंद बन कर देंगे फिर चलाएंगे तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाती है तो उसकी वजह से उसकी बिजली जो उस तरह से निकलती है वो थोड़ी सी महंगी हो जाती है लेकिन एक तरीक़ा है उसको बैलेंस करने का अब इसमें यह है कि कोई इसमें स्टोरेज इस सिस्टम नहीं है हवा चली एनर्जी बनी हवा बंद हो गई तो क्या करेंगे ख़त्म फिर वो स्टोरेज सिस्टम लगाना पड़ता है स्टोरेज सिस्टम से फिर वो उसकी जो कहानी है ज़रा लंबी हो जाती है आ, तो इस वजह से काफ़ी जगह ये अब उन्होंने फार्मूला इस्तेमाल किया है कि दो तीन चीज़ें मिला के अगर लगाई जाएं अब दिन में है तो आ, अगर सोलर आ, फोटो वोल्टेज सोलर सेल्स लगे हुए हैं तो कम से कम उनसे एन, एनर्जी चलती चली आ रही है हवा चल रही है रात में भी हवा चलती रहेगी सूरज नहीं होगा तो रात में उससे विंटरबाइन से ले लेंगे फिर साथ में थोड़ा सा बैटरी लगा दें ज़्यादा नहीं ज़्यादा बड़ी करेंगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो इस तरह से ऑप्टिमाइजेशन एक्सरसाइज होती है एक बहुत ही आम सी इंजीनियरिंग में ये एक्सरसाइज है कि अगर आपके पास तीन चार वेरिएबल हैं उनको ऑप्टिमाइज कैसे किया जा सके तो मैक्सिमम तो नहीं कर सकते एक एक वेरिएबल के अलावा लेकिन उनको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा होना चाहिए कौन सा कम होना चाहिए इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके ये दो तीन चीज़ें इनपुट करें तो आपको ऑप्टिमाइज़ करके बताता है कि इसको अभी इस्तेमाल करें इतना इसको इतना इस्तेमाल करें इस तरह मिला के तीन चार सोर्सेज के एन, एनर्जी के वो पूरा बिल्कुल कॉन्स्टेंट एनर्जी सोर्स बनाई जा सकती है इन कॉम्बिनेशन को मिला के